हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड टू ऑल माय वंडरफुल स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. गाइस, टुडेज क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द क्वेश्चन इज दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. द टर्म इज स्टेयर डिसाइसिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेयर डिसाइसिस का जो प्रिंसिपल है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है. ऑप्शंस आर आर्टिकल 139, 140, 141, 142. विच ऑफ से आउट ऑफ दीज फोर विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 141. 141 में के अगर मैं वर्बेटिम में बताऊं कि 141 में क्या दिया गया है, तो 141 में ये है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब कि भारत के टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉ डिसाइड कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, वो लॉ भारत के सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, उसके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट होगा उसका. तो स्टेयर डिसाइसिस का यही प्रिंसिपल है और आर्टिकल 141 में यही दिया गया है. पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसको बिल्कुल लैटिन टर्म को डिफाइन करें कि स्टेयर डिसाइसिस का मीनिंग क्या है. लैटिन टर्म, ये स्टेयर डिसाइसिस एक लैटिन टर्म है जिसके मीनिंग को अगर आप देखिएगा तो उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि टू स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड. टू स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड दैट इज टू से कि एक लीगल प्रिंसिपल है और इसमें कह रहे हैं कि द ऑल द अदर कोर्ट्स, जो ऊपर के कोर्ट से हायर कोर्ट अगर कोई जजमेंट दिया है, हायर कोर्ट का मतलब यहाँ पर इंडिया है और इंडिया में सबसे हायर कोर्ट कौन सा है, हाईएस्ट कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, कोई जजमेंट दिया है, तो सारे जो नीचे के कोर्ट हैं सारे को वो मानना पड़ेगा, राइट. जो भी हाई कोर्ट से, सबके ऊपर उसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा और लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट होगा. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी उस जजमेंट को प्रेसिडेंट के रूप में लेगा. जो मैंने लीगल टर्म बताया ना कि स्टेयर डिसाइसिस एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड, तो इसका, इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि स्टेयर डिसाइसिस जो है वो प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट, इस प्रेसिडेंट कि अगर प्रेसिडेंट का मतलब है कि अगर आज कोई केस हुआ और उसमें अगर कोई जजमेंट आया तो फिर अगर उसी तरह का केस होगा तो वही जजमेंट आना चाहिए, क्योंकि पहले वाला जो जजमेंट है दैट शुड बी एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, दैट शुड बी एक्टिंग एज अ गाइडिंग लाइट, और वही अप्लाई करेगा दूसरे वाले केस में, राइट. और वही आर्टिकल 141 में कहा जा रहा है कि आर्टिकल 141 इज सेइंग कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 141 में स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल है. देखो, क्लियर करके समझो, स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल है आर्टिकल 141 में. स्टेयर डिसाइसिस का लिटरल मीनिंग क्या है, लैटिन मैक्सिम है और इसका लिटरल मीनिंग है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड. और इसका जो, इस प्रिंसिपल का जो एनंशिएट करिएगा, एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें क्या है कि जो लोअर कोर्ट्स है दे हैव टू अधेयर टू द प्रीवियस जजमेंट गिवन बाय द हायर कोर्ट्स, राइट. इंडिया में आर्टिकल 141 में क्या कर रहे हैं, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स इन द इंडियन टेरिटरी, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो सारे कोर्ट्स पर वो अप्लाई करेगा. हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मैं नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बाइंडिंग इफेक्ट है, लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा, राइट. तो इसी को हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं कि एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया तो बाकी सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा उस जजमेंट को, इनफैक्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो जनरली सुप्रीम कोर्ट आल्सो गिव्स रेस्पेक्ट टू देयर अर्लियर डिसीजन, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला पहले सुनाया है इस तरह के पर्टिकुलर फैक्ट में, तो उसी तरह का पर्टिकुलर फैक्ट आएगा तो आगे भी वही उसी तरह का जजमेंट आना चाहिए, राइट. इसी को आप साइट करते हैं. मान लो कि हाई कोर्ट में आप किसी केस को लेकर के बहस कर रहे हो और उस तरह का ऑलरेडी फैक्चुअल सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, तो आप साइट करिएगा हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में फलाना फलाना केस में, फलाना फलाना एआईआर में इस तरह का जजमेंट आया था, तो इस केस में भी ऐसा जजमेंट आना चाहिए. आप
हाईकोर्ट को बाउंड करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट से, और यही आर्टिकल 141 में सारे चीज का एसेंस दिया गया है, सब समझाया गया है। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंट को अर्लियर डिसाइडेड केस लॉज भी कहते हैं, अर्लियर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी कहते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपको लॉ में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें वीडियो भेजिए, सॉरी आप हमें क्वेश्चन भेजिए, हम वीडियो बना करके आपको देंगे, और आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन अ मच ग्रेटर विद अ मच से ग्रेटर एक्सप्लेनेशन एंड विद द केस लॉज विद द illustrations and you will be appreciating it. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.